नेव रेफरेंस, गिरफ्तारी का वारंट। इसी पर बस नहीं, कौम के असासे संभालने वाले इस हकदार के अपने असासे मुंजमद। कहानी खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है। हर तरफ से गो डार गो की सदाएं आने लगी। तनाज़ात में उलझे इस हकदार से पहले भी इस्तीफे की डिमांड की जा चुकी है। इनको तो वैसे भी अब जो नैब की रेफरेंस आ गई है, इनको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। इसहाक डार हुदैबिया पेपर्स केस में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफी बयान देकर मुनहरिफ हो चुके। पनामा केस की जेआईटी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, 1981 से 2002 तक टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए। 2008 और 2009 में असासों में गैर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन ज़राए आमदन नहीं बताए गए। गोशवारों और एफबीआर रिकॉर्ड में भी वाज़ेह तज़ाद था, असासों और ज़राए आमदन में मुताबिकत नहीं थी। और तो और, एससीसीपी के साबिक चेयरमैन जफर हिजाजी की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग सामने आई, तो पसे पर्दा नाम इस हकदार का ही लिया जाता रहा।